5.56 में सास राइफल के चार प्रकार का मैकेनिकल सेफ्टी दिया हुआ है, लॉक, अनलॉक, सेफ्टी शेयर और स्टेम। यह सेफ्टी हथियार में किस प्रकार से काम करता है, इसी कार्रवाई का नमूना हथियार पे ध्यान के साथ दूंगा, आप देखे सुन और समझे। सीखे तरीके से राइफल को खोल सबसे पहले लॉक, इसे तिरछा करके रखना राइफल को, तो बताना ठीक। सबसे पहले लॉक, जब तक पुर्जा लॉक नहीं होगा तब तक राउंड फायर नहीं होगा। यदि पुर्जा लॉक होने से पहले ही फायरर गलती से ट्रिगर को प्रेस कर देता है और राउंड फायर हो जाता है तो गैस का पूरा प्रेशर एकदम पीछे से आएगा, जिससे फायरर और हथियार दोनों के ऊपर नुकसान हो सकता है, क्योंकि इस हालात में पुर्जा लॉक नहीं होता है, चेंबर और पुर्जा के बीच में गैप होता है। इससे गैस का प्रेशर पीछे आने से हथियार और फायरर दोनों को नुकसान हो सकता है, इसलिए लॉक को मैकेनिकल सेफ्टी माना गया है। अनलॉक, जब राउंड फायर होता है तो जब तक बैरल में 2 TSI का सेफ प्रेशर पैदा नहीं होगा तब तक पुर्जा अनलॉक नहीं होगा। जब बुलेट मजल इंड को छोड़ता है उस समय इसके अंदर 2 TSI का प्रेशर पैदा होता है, जिससे पुर्जा अनलॉक होता है। यदि बुलेट का मजल छोड़ने से पहले ही सेफ प्रेशर पैदा हो जाता है तो गैस का प्रेशर एक बाइक पीछे आएगा, जिससे फायर और हथियार दोनों को नुकसान हो सकता है, इसलिए अनलॉक को एक मैकेनिकल सेफ्टी माना गया है। अगला है सेफ्टी शेयर। चैम्बर में राउंड हो और पुर्जा लॉक हो, चेंबर में राउंड हो और पुर्जा लॉक हो और फायरर गलती से भी ट्रिगर को प्रेस कर देगा तो भी राउंड फायर नहीं होगा, क्योंकि जब तक पिस्टन एक्सटेंशन का पिछला निचला और दाहिना पहलू सेफ्टी शेयर हेड के ऊपर दबाव नहीं डालेगा। पेन दे दे। जब तक पिस्टन एक्सटेंशन का पिछला निचला और दाहिना पहलू सेफ्टी शेयर का हेड के ऊपर दबाव नहीं डालेगा तब तक सेफ्टी शेयर नोज और हैम्बर वेंट का मिलाप नहीं टूटेगा और हैम्बर आजाद नहीं होगा, इसलिए सेफ्टी शेयर को एक मैकेनिकल सेफ्टी माना गया। अगला स्टेम, अगला है स्टेम। ब्रस्ट फायर में स्टेम मैकेनिकल सेफ्टी प्रदान करता है, क्योंकि उस समय ट्रिगर के ऊपर दबाव होने से ट्रिगर शेयर अपने जगह से आगे और नीचे की तरफ होता है, एक्जुलरी शेयर अपने जगह से पीछे और नीचे की ओर होता है। जब यदि सेफ्टी शेयर नोड या हैम्बर वेंट घिस जाता है या टूट जाता है तो हैम्बर को पकड़ने वाला कोई नहीं होता है। जब चाल वाला पुर्जा आगे की ओर हरकत करता है तो साथ में हैम्बर भी आगे की ओर हरकत करता है, लेकिन हैम्बर स्टेम से जाके टकरा जाता है और स्टेम के साथ साथ आगे जाता है, जिससे स्टेम हैमर के प्रेशर को रोक देता है और अंत में जिस प्रेशर से हैमर को फायरिंग पिन के रिटर्नर पर चोट मारना था उस प्रेशर से ये चोट नहीं मार पाता है, जिससे राउंड फायर नहीं होता है। ब्रस्ट फायर में यह तब मैकेनिकल सेफ्टी प्रदान करता है जब एक्जुलरी शेयर टूट जाए, सिंगल शॉट में यह तब प्रदान करता है जब एक्जुलरी शेयर टूट जाए। ये था इसका मैकेनिकल सेफ्टी।
मैकेनिकल सेफ्टी में किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल? नहीं, सवाल नहीं तो सिक्योर तरीके से राइफल को जोड़ दे। सवाल नहीं तो सिक्योर तरीके से राइफल को जोड़ दे। ये तो मैं कल चलेगा।